हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पृथ्वीनाथ पांडे जी की जो बुक है हिंदी की, उससे एक टॉपिक लिया था, आगत शब्द का और विलोम का। ठीक है, आज जो है हम लेंगे ये तत्सम और तद्भव का। तो स्रोत के आधार पर जब शुरुआत होती है तो तत्सम और तद्भव, ठीक है, यहीं से होती है। उसके बाद आता है देशज विदेशज, फिर आता है मिश्रित। तो कुल हो गए उसके पांच भेद। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं तत्सम तद्भव की। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका शब्दकोश मजबूत है ना, तभी आप तत्सम तद्भव, समानार्थी, विलोमार्थी, अनेकार्थी और बहुत सारे हिंदी के क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, अगर आपको दिए गए शब्दावली का अर्थ मालूम हो रहा है। ठीक है, तो आपको बस अपना शब्दकोश बढ़ाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तत्सम हो गया संस्कृत के सम है जो, यानी समान, और तद्भव उससे बना हुआ, बाद में जो बना है ट्रांसफॉर्म होके। तो तत्सम मूल है संस्कृत का और तद्भव बाद में बना है, तो ये उसमें अंतर हो गया। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं अंगारा शब्द आ रहा है इसमें, अंगारा। ठीक है, तो अंगारा तद्भव होगा, अंगारा का क्या बनेगा, अंगार। फिर है अंगूठा, अंगूठा किसमें है, तद्भव में। तो तत्सम में क्या बोलेंगे इसको, अंगुष्ठ हो जाएगा, संस्कृत में जो बोला जाता है अंगुष्ठ। ठीक है, फिर है अंदर, जैसे हम बोलते हैं अंदर आओ, तो ये तो तद्भव हो गया। संस्कृत में क्या है, अंतःपुर। थोड़ा थोड़ा से डिफरेंस से ही आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि तत्सम है या तद्भव है या क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं अकाज। ठीक है, अब देखो जो काज है वो तद्भव में आता है, अकाज हो गया तद्भव का, तो इसका क्या हो जाएगा, अकार्य हो जाएगा। और काज का कार्य है ना, जैसे हम बोलते हैं कि इसको कोई काम काज नहीं है, तो वो तद्भव में हो रहा है, और कार्य हो गया संस्कृत का। ठीक है, तत्सम की पहचान बताई थी मैंने कि कार्य में जैसे ऊपर र आ गया, य के ऊपर, तो ऊपर का र आ जाएगा, या कहीं नीचे का र आ जाएगा, विनम्र, आधा अक्षर आ जाएगा जैसे अग्नि। ठीक है, कहीं अक्षर आ जाएगा जैसे रक्षा है, परीक्षा है ना, और ज्ञ आ गया जैसे विज्ञापन। तो ये सब क्या है, संस्कृत की, और इसके अलावा विसर्ग और हलंत, ये सब संस्कृत के तत्सम की पहचान होती है। इसके बाद है अटारी, अटारी भी तद्भव है, अटारी का क्या बनेगा, अट्टालिका। ठीक है, नेक्स्ट है आलस, आलस का हो जाता है आलस्य। फिर है इमली, इमली किसमें आएगा, ये तद्भव का है और इसका हो जाता है अम्लिका। गुड मॉर्निंग। तत्सम तद्भव कर रहे हैं आज, ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक से। कल हमने आगत वाले किए थे विदेशज, और कुछ हमने किए थे विलोम। ठीक है, अच्छा यस सर। अब है जैसे इलायची है, इलायची तद्भव में आता है, इसका तत्सम क्या होगा, एला एला हो जाएगा इसका। फिर है इसका क्या बनेगा, ये इस तो हो गया तद्भव में, इसका होता है एतस्य। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आएगा ऊंट, ये समूह ग में आ भी रखा है, ऊंट का तत्सम क्या होगा, उष्ट्र उष्ट्र हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इसमें एनक, एनक का तत्सम चश्मा क्या बनता है,
चश्मा तो लेकिन इसका नहीं है, हिंदी का है ना, तो ये हो जाता है उपचक्षु। जी और एना होगा कर, केवल एना है, एना, तो ये हो जाएगा दर्पण के लिए, एना का होगा दर्पण। फिर है ओखली, ओखली का क्या बनेगा, उलूखंड, ओखली का बन जाएगा उलूखंड। सर वो दूल्हा का क्या था? अच्छा दूल्हा का दुर्लभ भी बताया जा रहा है उसका, तो दुर्लभ। जी सर, इसलिए ज्यादातर का सब कोई गलत हो गया ना, दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब तो वही है, दुर्लभ का विलोम सुलभ, यानी जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। की डेट में सर उत्तराखंड में नहीं। तो ये तो सही बात है, दूल्हा नहीं हो तो उल्टा कर दिया इन्होंने, दुल्हन ज्यादा मुश्किल है मिलना। सर पर लड़के बेरोजगार हैं। जी अब इस साल कई बच्चों का लेकिन भला हो जाएगा है ना, पुलिस में, पुलिस वाला बैच चला जाएगा, ये फॉरेस्ट गार्ड वाले जाएंगे। अगर ये भर्ती सही तरीके से होती रहे तो कई बच्चों का भला होगा। हाँ कल रिजल्ट आएगा तब होगा मेडिकल। रिजल्ट आएगा वैसे इसमें, पहले ऐसे ही सुना तो ऐसे ही है कि इस तरीके से होगा प्रोसेस। देखो अभी आयोग जैसे अपने प्रोसीजर होगा इनका, यूकेपीएससी अपने तरीके से करवा रहा है, डीवी जैसे पहले कर लिया तो सही है। अब तुम्हारे हाथ का तो कुछ है नहीं, उन्होंने करना है जो भी करना है भेज देंगे वो। जी ये इसका कैसा रहा था तुम्हारा कनिष्ठ आयोग? सर वो तो बहुत टफ था, मैंने देखा भी नहीं। पेपर ही ऐसा था कि बच्चों ने देखा ही नहीं हो ज्यादातर, तो उसमें बच्चों के कम ही नंबर आ रहे हैं वैसे। ये पेपर ही काफी टफ हो गया क्योंकि इसमें रीजनिंग के साथ मैथ भी दे दी है ना, करंट भी अच्छा खासा दिया था, कंप्यूटर के क्वेश्चन का भी लेवल अलग ही था, जीएस भी हाई था, हिंदी भी इस बार ठीक ठाक ही थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई सेक्शन ऐसा कि इसमें स्कोर कर लो, कोई ऐसा ज्यादा था नहीं, तो इसलिए इसमें डाउन ही जाएगी मेरिट, कोई ज्यादा ज्यादा नहीं जाएगी। हाँ सर टफ था बहुत। पेपर वैसे ऐसे ही बनना चाहिए, तो थोड़ा उसमें क्या होता है कि मेरिट फिर कम से कम ही रहेगी ना, जो 55 से 60 वाले हैं उन्हें भी उम्मीद होगी पूरी फिर। और आसान पेपर में क्या होता है कि फिर मेरिट हाई जाती है। तो जी ठीक है, अगला इसमें जो है कौड़ी, ठीक है, कौड़ी का तत्सम क्या होता है, ये हमने टेस्ट में दिया था एक बार, इसका होता है कपर्दिका, ठीक है, कपर्दिका, कौड़ी हो जाता है कपर्दिका। फिर है ओखली, इसका क्या होगा, उलूक उलूखन, ओखली हो जाता है उलूखन। फिर है करोड़, करोड़ को क्या बोलते हैं, कोटी कोटी हो जाएगा इसका। अच्छा कारज आ जाता है, कारज या काज, तो दोनों का क्या होगा, कार्य हो जाएगा इसका, संस्कृत में कार्य होता है, कारज या काज, तद्भव में ये इन दोनों का एक ही है, ठीक है। फिर है कांटा,
कांटा का तत्सम। कांटा का होता है कंटक। कंटक। फिर है कुआं। कुआं भी तद्भव है। क्या होगा इसका? कूप हो जाएगा इसका। अब है खेत। खेत का तत्सम क्षेत्र क्षेत्र होता है। ख का इधर ज्यादातर क्या बनता है? अक्षा बन जाता है इसमें, जैसे खीर का छीर। फिर है गड्ढा। गड्ढे का क्या होगा? गड्ढा हो जाता है गर्त, जैसे बोलते हैं गर्तावास, तो वो संस्कृत का है गर्त। इसके बाद है गोबर। गोबर का क्या होगा? जैसे गेहूं का होता है गोधूम, गेहूं का संस्कृत बनती है गोधूम, तो गोबर का बनता है गोविष्ट। ठीक है, गोविष्ट हो जाता है गोबर। फिर है घड़ा। घड़े का तत्सम। घड़े का क्या होगा? घट। फिर है घड़ी। घड़ा और घड़ी बिल्कुल अलग है और उनके मिलते जुलते हैं। ठीक है, घड़ा का तो था घट और घड़ी का है घटी का। ठीक है, घड़ी का हो जाएगा घटी का संस्कृत तत्सम। फिर है घोड़ा। इसका हो जाएगा, इस घोड़े का होता है घोटक। अब तुम्हारा 9 अप्रैल वाला होगा ना, फॉरेस्ट का। तो उससे पहले तो क्या होता है, इसी में वो कर देंगे तुम्हारा, है ना, जाने का हो जाएगा, हो सकता है। तो इन फिर कब दोनों में तक तो होगा? एक देखो, बता तो रहे जल्दी होगा, इसी में 15-20 के अंदर। उम्मीद तो ऐसी है कि वो लगातार ही, क्योंकि काम पे लगे हुए हैं ना, उन्हें ये टारगेट मिला हुआ है कि जो भी भर्ती है उसे तुम्हें फुल एंड फाइनल करना है ना। जिस तरह के उत्तराखंड में क्योंकि माहौल चलता है कि कब कौन क्या सबूत लेके आ जाए, क्या हो जाए, तो इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भर्ती में ज्वाइनिंग दी जाए कम से कम। एक LT में हो पाई ज्वाइनिंग बड़ी मुश्किल से। बाकी भर्तियां भी धीरे धीरे चल रही हैं, UK SSSC की भी, और UK PSC भी कर रहा है काम अच्छे से, तेजी से। तो देखते हैं कब तक होता है, पर जल्दी होगा जो भी है। तो तुम्हारा तो इसका भी स्केल सेम ही है, जो ये फॉरेस्ट गार्ड है और इसका पुलिस का। जी सर, जी तो फिर फर्स्ट वाले में फायदा है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें उतने महीने की सीनियरिटी मिल जाएगी। उसकी प्रोसेस होते होते मान लो कई महीने लगने ही है अभी तो। 2 अप्रैल को पेपर होगा, फिर 2 महीने बाद आएगा, फिर उसके DV होगा, तो वो प्रक्रिया फिर उसके 4-5-6 महीने का अंतर कम से कम रहेगा। सर, तब तो कम ही बच्चे देंगे, अगर उससे पहले ही हो जाएगा तो फिर तो बेकार है ना देना। लेकिन अगर तब तक वो नहीं भेजते तो पेपर तो दे ही सकते हैं। पेपर देने में क्या है, क्योंकि जब जाएंगे नहीं उसमें तो फिर सीट खाली हो जाती है। अब इनका सिस्टम क्या है, ये वेटिंग वगैरह का ये पता नहीं अभी किस ढंग से निकालते हैं। वेटिंग वैसे ज्यादा निकालते नहीं, तभी DV के लिए ज्यादा ही बुला रहे ना हर उसमें। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं आगे।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुआं। कुएं का क्या होगा संस्कृत में? इसका हो जाएगा कूप, जैसे बोलते हैं कूप मंडूक। मंडूक शब्द भी मेंढक के लिए आया है संस्कृत में। फिर है कुटुम, एक आता है कुटुम एक कुटुम्ब, है ना? तो संस्कृत वाला कौन सा होगा? कुटुम्ब होगा या कुटुंब कुटुम्ब? कुटुम्ब हो जाएगा, आधा अक्षर आ जाता है, ज्यादातर ये तत्सम की पहचान होती है, तो कुटुम्ब बन गया। फिर है खंबा, खंबा का भी एपी एग्जाम में आ रखा है, खंबे के लिए तत्सम ये हो जाता है स्तंभ। ठीक है, जी खंबा हो सर। जाएगा स्तंभ। इस बार तो इन्होंने कंप्यूटर के भी जो दिए थे इसमें कनिष्ठ वाले में, तो तुम्हारा कैसा है वाले कंप्यूटर सेक्शन वाला जो था? सर बेकार हुए हैं। कुछ तो इसमें ठीक थे पर कुछ वैसे थे थोड़ा अलग। एक को 256 करके था, 256 एम बाइट ऐसे था ना? जी सर। क्या होना सर? 256 मेगाबाइट उसका वैसे पहला वाला होना चाहिए, क्योंकि उसमें मेगाबाइट से किलोबाइट बन रहा है ना, फिर किलोबाइट से बाइट बन रहा है, तो दो बार आना चाहिए उसमें। 1024 जो होगा वो दो बार आएगा फिर। बाकी के जो वो है वो तो तभी पता चलेगा। देखो लेकिन इसमें मेरिट काफी मतलब कम रहेगी, अगर 50-55 के बीच भी गर्ल्स के आगे तो बहुत है। जनरल गर्ल्स में मेरे हिसाब से 50 से 55 के बीच ही टाइपिंग हो जाएगी, 55 से 60 फिर बॉयज की। एक इसमें बनाऊंगा मैं वैसे अलग से एक वीडियो, जिसकी मेरिट लगभग कितनी जा जी सर। सकती है। तो जीएस का लेवल भी ठीक ठाक ही था, इसमें ऐसा वाले क्वेश्चन नहीं थे। एक वो आया था सकारी विक्रमादित्य वाला, तो जी सर। वित्तीय वाला दिया था, एक वित्तीय विकेंद्रीकरण जो उसका वो था लॉर्ड मेयो। हाँ जी सर। हाँ लॉर्ड में लॉर्ड मेयो वाला, और एक सूर्यास्त वाला दे दिया, सूर्य अस्त नियम गलत हो गया मेरा। स्थाई था ना सर है? इसमें? स्थाई था इसका। हाँ स्थाई बंदोबस्त। नहीं गलत हुआ। कुछ तो गलत होंगे सबके, ख्याल जो जीएस वैसा है तो सभी का हो जाएगा। करंट वाले भी क्वेश्चन थे, देखो एक ये विंटर गेम्स आ रखा था जिसमें J&K जम्मू वाला, कश्मीर उसका जम्मू कश्मीरी है ना? और एक वो था इसका रायपुर आंसर, छत्तीसगढ़ वाला, राजीव गांधी भूजल संस्थान वाला। तो सर। एक का वो था ये उत्तराखंड में था, जो कौन सी थी वो, ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस। जी सर मेरा गलत था। जी और ये वहां पे तो क्योंकि हम सोचते भी अलग ढंग से है ना, वहीं से उत्तराखंड के क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट थे वैसे। पर वहां पे क्या है कि सर। नॉर्मल बुद्धि भी नहीं चलती है ये हाँ इंसान, वो सिद्धार्थ ने सही किया वैसे। वो जो ज्यादा वो चलाते हैं अब तब कभी गड़बड़ हो जाता है। देखो जी सर होते ही है। क्योंकि वहां से कंटिन्यू उत्तरा, अब इसमें तो सारे सेट भी एक जैसे थे, ऐसा भी नहीं था कि कहीं आगे पीछे है ना, सबके पेपर एक ही जैसा है। वहीं से उत्तराखंड के शुरू थे कंटिन्यू।
ऐसा क्यों था इस बार? ऐसा क्या वो गलती से हो गया उनसे ना? सर इतनी बड़ी गलती। ये तो कोई गलती की बात नहीं है वैसे, क्योंकि इसमें क्या है ना कि फिर अगर तुम्हारे बगल वाले की OMR सीट तो दिख रही है ना, तो उसमें तो व्यक्ति अंदाजे से देख लेगा कि भाई पहले की तरफ वो एक गोला लगाए और दूसरी कॉलम में ये 25 से शुरू है, 26 से उसका गोला ये लगाए, तो उससे देख सकते हैं मतलब तो। पर लेकिन ये बड़ी मिस्टेक है, तो जो जिनके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है क्या आप, तो वो उनके ऊपर कार्रवाई करे, है ना। एग्जाम कंट्रोलर है जैसे वहां के गिरधारी जी, अब उनका ऊपर करते हैं तो समझो कि आयोग इसे गलती मानता है। वैसे तो आयोग ने बोल दिया कि इससे परीक्षा की शुचिता पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और ये बात वाली बात होगी जैसे तुम घर खुला छोड़ के आ जाओ और लेकिन चोरी नहीं हुई, तो तुम बोल रहे कि खुला है तो क्या होगा, चोरी तो नहीं हुई ना, लेकिन खुला रखा तुमने तो ये गलती होगी ना। तो ये वैसी स्थिति होगी है कि फर्स्ट टाइम ऐसा पेपर आया जो चारों साइड एक जैसे है, और ये छोटी बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें इस मुद्दे पे अगर कोई कोर्ट जाएगा तो ये आराम से वो हो सकता है, फिर बैकफुट पे आ जाएगा आयोग, ये दोबारा कराना पड़ जाएगा। और बच्चे भी ज्यादातर यही चाहेंगे, क्योंकि जैसे बच्चे मैक्सिमम बच्चों का खराब ही हो रखा है पेपर, है ना, तो बच्चे भी इसी पक्ष में रहेंगे कि भाई ठीक है दोबारा ही करवा दो, तो इसलिए इस पेपर का अभी कुछ कह नहीं सकते कि डामाडोल है थोड़ा। इस लेवल की गलती तो होनी नहीं चाहिए कि सारे सेट एक जैसे हो गए। वो जल्दबाजी का ही काम है ना सब, क्योंकि आयोग जल्दी में करा रहा है सारे पेपर और समय कम है ना, तो उन्होंने जैसे सेट के सीक्वेंसिंग बदलनी थी तो सेट की सीक्वेंसिंग बदलने की जगह बस वो सेट के नंबर ही बार बार बदले, ABCD, और अंदर ही सेम रह गया। और इस चीज पे उन्होंने भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये सेट जो है वो बहुत ज्यादा लोग तो देख नहीं रहे, है ना, एक या दो लोग ही देख रहे, अति गोपन काम है वो, और उन्होंने भी ओके कर दिया होगा कि ठीक है ये सब, तो वो बाहर बाहर से देख के ओके हो गया होगा, और फिर वो जब बच्चों के पास गए तभी उन्हें भी पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि सील लगा ही रहता है पेपर तो। लेकिन जहां पे लोग बहुत नजदीक नजदीक बैठे हुए बच्चे, तो वहां पे इसमें गड़बड़ होने के चांसेस तो है ही ना, एक दूसरे से देख सकते हैं, जो थोड़ा भी दिमाग वाला होगा वो समझ गया होगा कि इसके भी सीक्वेंस वैसी हो रही है, मेरे भी वही हो रही है, इसका मतलब एक जैसा ही पेपर है। अब देख लेते हैं आगे क्या क्या है इसमें। पड़ोसी का क्या होगा, तत्सम, ये हो जाता है प्रतिवासी, ठीक है, पड़ोस हो जाएगा प्रतिवास, प्रतिवास जो बगल में रहने वाला है, और पड़ोसी प्रतिवासी। फिर है भला, भले के लिए संस्कृत क्या हो जाता है, भद्रक, ठीक है, भले का होगा भद्रक। अगला है जंगला, जंगला किसे बोल देते हैं, जंगला खिड़की को ही बोल देते हैं ना, तो जंगले का जो संस्कृत बनती है वो क्या है, वातायन, ये भी उसका एक पर्यायवाची हो गया, जैसे झरोखा बोलते हैं, खिड़की बोलते हैं, जंगला, तो ये सब उसका संस्कृत रहेगा वातायन। फिर है जौ, जौ के लिए क्या है, यह हो जाएगा, तो जौ का ज्यादातर यह बन रहा है, जौवन, यौवन हो गया, है ना, जैसे जमुना हो गया यमुना, इतना फर्क है इसमें, जमुना वाला आ जाएगा तद्भव, यमुना आ जाएगा तत्सम। अच्छा, अब तो तुम्हारे पास राइटर वगैरह इस वाले में तो सभी आगे की परीक्षाओं में आएंगे, ठीक है। अब तुम्हारे लिए 9 अप्रैल वाला तो जो है इतना वाला महत्वपूर्ण नहीं है, पर वो है जैसे आगे वीडियो का होता है कभी दोस्त कब होता है, लेकिन अभी उसका कुछ कह नहीं सकते, अभी तो बोलते हैं आयोग धीरे धीरे तैयारी कर रहा है, कैलेंडर बोला था उन्होंने, देखो
एक दो हफ्ते पहले सोमवार को, तो कैलेंडर ही नहीं आया अभी तो। अगला है इसमें भेड़िया, ये एग्जाम में आया था, भेड़िया का पूछा गया है ग्रुप सी में। ठीक है, भेड़िया का जो संस्कृत होती है वृक है ब्रश ना, वृक क हो जाएगा। ठीक है ठीक फिर भौ, भौ का क्या होगा? आईब्रो जो होती है भौ के लिए संस्कृत क्या होती है? भ्रिकुटी। ठीक है, भ्रिकुटी। फिर अगला है मकड़ी, है मकड़ी का क्या होगा? मकड़ी के संस्कृत बनता है मरकटी। फिर है मछली, मछली का तो साधारण ही, ये मत्स्य है मत्स्य ना, मत्स्य हो जाएगा। अच्छा, फिर है मीत, मीत का क्या होगा? मित्र। मित्र मित्र मीत तदभव में, याद रखना मित्र, क्योंकि तो त पे र लग गया है ना, ये भी संस्कृत की एक पहचान है। फिर मोती, मोती का क्या बनेगा संस्कृत? मोती का तत्सम हो जाता है मुक्ता। फिर साखी, साखी का क्या होगा? साक्षी का साक्षी बनता है साक्षी साक्षी, साक्षी हो जाएगा इसका। मिट्टी, मृतिका मृतिका मृत्ति का हो जाएगा। रोटी, रोटी का क्या होगा? ये होता है रोटी का, ठीक है, रोटी का हो जाता है। अच्छा, अब है उत्तराखंड का, हमने भौगोलिक संरचना वाला बोला था कल, अब वो मोहिनी को बोला था, मोहिनी तो आई नहीं आज, तुमसे ही सुन लेते हैं। उत्तराखंड का आकार लगभग कैसा है? आयताकार 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 है ना, तो बीएसएनएल की वाली से चल रहा है अभी हमारा, लगभग आधा हो गया था डिस्ट्रिक्ट वाले, ठीक है, उससे आगे हम कर रहे हैं। जी सर जी सर उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,484 वर्ग किलोमीटर है, इसका प्रतिशत कितना है भारत का? 1.69%। क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है राज्यों में? हाँ, उन्नीस पहले 19 हो गया था, फिर वो जेएंड के हटने के बाद फिर 18 ही हो गया है ना, क्योंकि तेलंगाना बना था तो तब 19 हो गया था, फिर तेलंगाना भी हमसे बड़ा है, फिर जम्मू हट गया तो फिर 18 ही होगा, तो 18 से 19 हुआ, फिर 18 हो गया। और वैसे भी उसमें उसके अनुसार ही देते हैं वो, है ना, 2011 के गणना के अनुसार ही हर चीज पूछेंगे, तो तब तो वही रहेगा ही। मैदानी क्षेत्रफल कितना है प्रतिशत में? तीस 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 नहीं तेरह मैदानी तीस नहीं तेरह 13, तेरह 13.93, लगभग 14 हो गया, 13.93 याद रखना है। और बाकी जो बचा है 86.07 क्या है? पर्वत है, ठीक है, पर्वतीय भाग।
क्षेत्रफल के अनुसार पूछेंगे तो 46,000 है, 46,035 वर्ग किलोमीटर में आएगा पर्वतीय। हाँ फिर उच्च हिमालय में जो कितनी ऊंचाई वाली रेंज होती है पहाड़ों की, ब्रज हिमालय के पर्वतों की ऊंचाई कितने मीटर से कितने तक रहेगी उत्तराखंड के क्षेत्र में? सबसे ऊंचा तो वही है नंदा देवी, 7-8 1 साथ, 3,000, और सात ये सब हजार 4,500 से लेके, ठीक है, 4.5 से 7-8 1 साथ तक, यानी नंदा देवी तक। कितने मीटर से ऊंचाई तक जो है स्थाई हिमरेखा है, उच्च हिमालय की हिमरेखा बोलते हैं, 4,000 मीटर पे। 36 3,600 से ऊपर भी पाई जाती है, पर जो स्थाई वाली है वो 4,000, तो वहां पे कभी बर्फ पिघलती नहीं है। ठीक है, ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति पोटिया पोटिया भुटिया लोग हैं, और एकमात्र यही है जो ग्रेटर हिमालय के हैं, उच्च हिमालय के निवासी। फिर केंद्रीय भ्रंश रेखा किसे अलग करती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बृहत वृहत और मध्य। माने सच क्योंकि ये नीचे से तरफ से जा रहे ना, शिवालिक लघु, और ये फिर क्या हो गया बीच में, मध्य आ गया, लघु या मध्य तो एक ही हो गया। लघु जी सर, दोनों या दोनों मध्य की ऊंचाई क्या है लगभग, यह 1,800 से 3,000 है, 3,000 3,000 तक है। लगभग 9 जिलों में ये हिमालय की श्रेणी फैली हुई है। फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच में, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मध्य हिमालय और शिवालिक मुख्य सीमांत दरार बोलते हैं इसको, तो हमारी तरफ से ये नजदीक पड़ेगा, पहले शिवालिक और मध्य, फिर पड़ेगा मध्य और उच्च में, एमसीटी। नेक्स्ट है, कितनी नदियों का उद्गम है दूल्हा तोली, 5 नदी 5 नदी 5 नदी, तो ये भी लघु या मध्य में श्रेणी में। कोदिया बगड़ किसकी समाधि है, चंद्रशेखर वीरचंद्र बड़वाली। फिर देहरादून जो है उसकी लगभग लंबाई क्या है दून घाटी की, बहत्तर 75। जोखम दून का है, जोखम, पौड़ी और पौड़ी कोठारी दून है, कोठारी दून भी वही है, पौड़ी। पौड़ी पौड़ी पाटली दून या पतली दून, नैनीताल, नैनीताल नैनीताल कार्मेट के मध्य में। मैनाक पर्वत किसे कहा गया, मैनाक शिवालिक शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश है, ये सबसे निचला हिस्सा है, तो मैनाक हो गया। इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई 750 से 1200 1,200 तक है लिमिट इसकी। तराई क्षेत्र में कौन सी जलवायु है, तराई उष्णकटिबंधीय इसमें है उपोष्ण 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 प्रकार की है। ऑपरेशन सूर्या होप कब चलाया गया, 17 जुलाई 17 जुलाई 17 तो ये 2013 की आपदा में ये। जी सर किस भूकंप जोन में है उत्तराखंड, तो 4 और 5 4 और 5 ये इस बार पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी उत्तराखंड के भूकंप जोन के बारे में पूछा था डिटेल, और अब तो ये आयोग वैसे भी पूछ रहा है, जैसे जनगणना के तुमने देखा होगा बीच वाले ऑप्शन भी दे रहा है ना? जी सर यानी सारे जिले का, बीच वाले जिलों में ये आना चाहिए,
इनमें से कौन सा जिले में लिंग अनुपात ज्यादा है, किस में साक्षरता ज्यादा है, किस में घनत्व ज्यादा है, किस में अवरोही क्रम भी लगा सकते हैं, किस में आरोही क्रम के लिए भी पूछ सकते हैं, इस टाइप वाले भी दे रहे हैं। थोड़ा डीप क्वेश्चन बन रहे, साक्षरता वगैरह कोई भी चीज का जनगणना, इसीलिए वो पेपर भी थोड़ा टफ ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो इस तरीके की सीधी सीधी चीजें लोग पूछ के थोड़ा घुमा फिरा रखी है हर चीज को। तो कभी साहिक का जैसा उम्मीद थी बच्चों को वैसा नहीं था ये पेपर, है ना। यस वो बच्चों ने, वो तुमने देखा होगा मीम्स बना रखे थे ना, आलिया भट्ट वाला बना रखा था और दीवार फिल्म सर वाला जी बना रखा था, सर कि थक हार के बाहर आया तो मुंह धो रहा फिर बेचारा। तो यही स्थिति हो रखी थी बच्चों की, क्योंकि वैसा हो गया ना ये पेपर। वैसे तो खैर होता तो उतना ही है, देखो नॉलेज है जितना होना तो वही है, लेकिन ये एक सरप्राइज टाइप का हो गया। ईजी में ये होता है कि किसी के 80 आ रहे हैं तो किसी के 70 आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ये है कि पढ़ने वालों की भी हालत खराब हुई। फिर वन विभाग का चिकित्सालय कहाँ है, वन विभाग का चिकित्सालय। देहरादून, ये हल्द्वानी, हल्द्वानी, और एक हल्द्वानी, वो बना था फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, वो कहाँ जी था, सर, उधर रानीखेत। पानी, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी, हल्द्वानी हल्द्वानी, ये फॉरेस्ट गार्ड जो भर्ती होंगे तो वहां ट्रेनिंग मिल जाएगी उनको। इसके बाद है उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम कब पारित हुआ था, पहले हमारे यहाँ वही वाला चल रहा था उत्तर प्रदेश, ये था 1974, ठीक है। फिर उत्तराखंड का नाम जो आया था उत्तरांचल के नाम से 2001 में आया था वन अधिनियम। फिर उत्तराखंड वन विकास निगम ये कब बना, वन विकास निगम। 2000, 2000, 1 अप्रैल 2001। बांज किस जलवायु का पौधा है, बांज शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय है ये, ठीक है। क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, कौन सा बांज है पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, सफेद सफेद, वाला है, लाल, सफेद, भूरा, नीला, कौन सा वाला होगा, सफेद 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 वाला है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वृक्ष कौन सा है, चील, चील ठीक है। और उसके बाद है साल, दूसरा पूछेंगे तो भोजपत्र जो है पौधा उसके कौन से भाग से कागज बनता है, छाल से, तने की छाल से कागज बनता है, तो वहां पत्तियां हैं, पत्ती नहीं लगाना है तो तने की छाल हो जाएगी। फिर कत्था किससे मिलता है, खैर के वृक्ष, खैर के वृक्ष से, चील खैर से, तारपीन का तेल, चीड़ से, चील से, का ये था ना, बिरोजा है, तारपीन का तेल है, और ये सब जो है इसी के उत्पाद है। एक जो उसके वो भी क्या था, पिरूल एक आता है ना, पिरूल वो भी इसी का है। पिरूल से बिजली बनाने का भी उत्तराखंड ने शुरू किया था। ठीक है, तो कल जो है उत्तराखंड इससे आगे देखेंगे हम, उत्तराखंड में कृषि पशुपालन यहाँ से कर लेना, और ये तुम्हें करना है।
तीन पेज तक कर लेना इसकी, उत्तराखंड लोक जी सर, चित्रकला। जी सर, अब देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये टॉपिक आगे वीडियो और परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और राज्य व्यवस्था पॉलिटी तो हर यूकेपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो क्योंकि वो चीज डीप में देगा ही देगा। सबसे पहले आते हैं स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। लॉर्ड मेयर, लॉर्ड मेयर स्थानीय स्वशासन के तो है रिपन। जी सर, रिपन, जी सर, रिपन। मेयर ने क्या किया था, वित्तीय विकेंद्रीकरण दिया उन्होंने, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया ना, वो क्वेश्चन वहां पे उन्होंने वो वाला पूछ दिया था। स्वशासन तो रिपन ने शुरू किया, पर वह वित्तीय वो आया है। प्राचीन काल में जैसे मौर्य काल है, और मुगल के अधीन भी कुछ हद तक ये संस्थाएं अस्तित्व में रही थी। ठीक है, वहां पर भी स्वशासन था। फिर 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिया। ठीक है, यहाँ से वो ये वाली जो लाइन जिसको याद रही होगी उसने वो क्वेश्चन सही किया होगा। फिर 1882 में रिपन ने स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया, तो इसलिए वहां पे क्या लिखा था कि पहला प्रयास है ना, 70 में रिपन कर चुके हैं, 1870 में हो, 1882 में है फिर रिपन का। ठीक है, उस समय उपखंड, तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड बनाए गए थे। रिपन के प्रयास को ही उस समय मैग्ना कार्टा बोला गया, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, तो एक पहली सोच लेके आए वो। फिर 1907 में क्या बना था, शाही आयोग हॉब हाउस की अध्यक्षता में। तो ये स्वशासन जो भी है इसका बहुत डीपली क्वेश्चन जो है पढ़ने पड़ेंगे इसके। ₹1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को जो है किसका विषय बना दिया गया था, राज्य का या संघ का या समवर्ती का। संघ का, संघ का नहीं, राज्य का। जैसे अभी भी किसमें है, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राज्य का, पूरी तरह राज्य में डाल दिया 1935 के अधिनियम से। ठीक है, और इसी अधिनियम का भारत के संविधान पे क्या है, गहरा प्रभाव है। लगभग 70% संविधान हमारा यहीं से निकला है, सबसे बड़ा स्रोत यही है। फिर आ जाते हैं इसमें, सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाया था और राज्य का विषय बनाया था, तो वो था 1919 का अधिनियम। ठीक है, इससे पहले 1919 में आया, पर पूर्णता क्या 1935 में। फिर थुंगन समिति पंचायती राज के लिए आई थी, कब आई थी थुंगन समिति, 1988 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब आया, 2 अक्टूबर 1952 नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957। ग्रामोद्धार समिति भी बोल देते हैं, गांव के उद्धार के लिए लाए थे ग्रामोद्धार समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की तरफ महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है बलवंत राय मेहता समिति को। ठीक है, इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी अपनी, 1957 में ही रिपोर्ट आ चुकी थी। ये भी ग्रुप सी में पहले वाले कनी साइट में आ चुका है, क्वेश्चन कहीं भी कोई सा भी आ जाता है, बस वो अगर उसमें 100% श्योर नहीं होता तो वो फिर चांस होता है वहां गड़बड़ होने का। कई क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं कि तुमने सोचा कि यही थोड़ी आएगा और वही आ गया, और वैसे ही बिल्कुल ऑप्शन थे कंफ्यूजन वाले। फिर है इसमें विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को कब अपनाया। राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि 1952 में बनी थी, इसने 12 जनवरी 1958 को अपनाया है। ठीक है, रिपोर्ट तो 57 में आ गई, समिति भी बनी 57 में, लेकिन 12 जनवरी 1958 को एनडीसी ने इसे अपनाया।
और इसकी सिफारिशों को, मनोहर राय मेहता की सिफारिशों को ज्यादातर को अच्छा मानते हुए, ठीक है, इसको ये आदेश दिया गया कि इसको लागू करवा दिया जाए, कार्यान्वित करने के राज्यों को आदेश दिए गए। ठीक है, तो फिर 2 अक्टूबर 1959 ये कहाँ से शुरू हुआ है पंचायती राज का उद्घाटन? नागौर, राजस्थान का नागौर से शुरू हुआ। ठीक है, फिर इसी साल हुआ था, एक और जगह कहाँ हुआ? 59 में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, फिर बाद में असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, 1960 में असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। फिर अशोक मेहता समिति 1977। तो इन्हीं के पुत्र हैं बलवंत राय के, अशोक मेहता समिति लाए थे। 13 सदस्यों वाली एक समिति थी, और बलवंत राय में यह था कि 3 स्तर वाला प्रतिमान दिया था, पंचायत समिति था, ग्राम पंचायत थी, और जिला के लिए था, जिला परिषद, लेकिन इन्होंने 2 का ही दिया, तो ये इस वाले में थोड़ा अलग था। तो इस समिति को अपर्याप्त मानते हुए, मतलब जो इसकी रिकमेंडेशन को अपर्याप्त मानते हुए, इसको अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अशोक मेहता समिति, इसका बस ये पूछ सकते हैं कितने स्तरीय दिया था इन्होंने, तो 2 स्तर के लिए बोला था, है ना, बलवंत राय ने 3 के लिए बोला, और अभी ज्यादातर राज्यों में बलवंत राय मेहता का ही प्रतिमान चल रहा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। फिर पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन से हुआ था? पंचायतों में आरक्षण, जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 73वां संविधान संशोधन, 73वां पंचायत के लिए, 74वां नगर निकाय के लिए, तो ये 2 ही है इनके लिए, तो इससे क्या हुआ, इनको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान हो चुका है, क्योंकि मूल संविधान में पंचायतों को स्थान नहीं था, ये बाद में बनी संस्थाएं, इसलिए इनको जरूरी था। फिर है पीवीके राय राव समिति, पीवीके राव 1985 1985। एलएम सिंघवी 86 में सिंघवी समिति, इन्होंने बोला कि पंचायत को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, सिंघवी समिति ने, तो वित्तीय संसाधन देने पड़ेंगे उनको, कुछ कमाई के साधन की है, यहाँ टैक्स से कुछ मिल जाए उन्हें, तो वो कुछ योजना बना सकते हैं। अगर पंचायत के पास पैसा ही नहीं है, तो प्रधान के दिमाग में आइडिया भी नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ। फिर थुंगन समिति, थुंगन समिति 1988 ठीक है, तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर राजीव गांधी 64वां संशोधन लेके आए थे पंचायत के लिए। याद रखना कि 64वां संशोधन भी पंचायत के लिए था, लेकिन वो केवल लोकसभा में पारित हो पाया, राज्यसभा में ये फेल हो गया था। ठीक है, तो वरना ये 73वें की जगह 64वें में ही हो जाता काम। फिर 73वां जो था वो कब से लागू हुआ? 73वां संशोधन 1992 के नाम से 1993 हो जाएगा, तो 24 अप्रैल पंचायती दिवस। फिर राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल, ये करेगा राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल, ये भी राज्यपाल करेगा। तो पंचायती चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास है, और जो एमपी और एमएलए का है वो है राष्ट्रीय, जो होगा हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख है? 29
उनतीस 29 विषय इसमें, 11वीं अनुसूची में, और 12वीं में, 18 18 12वीं में 18। ठीक है, उसके अंदर हमने वो भी बताए थे ना अनुच्छेद, तो 11वीं के अंदर जो आ जाते हैं तुम्हारे 243 के, तो 16 है टोटल, है ना, एक में परिभाषा है और फिर ए से लेके ओ तक है, और फिर 18 है नगर निकाय वाले, तो टोटल ये हो गए तुम्हारे 34 अनुच्छेद। तो इसमें से भी बार बार क्वेश्चन बनेगा ही, और चांसेस है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन निकल जाएगा। फिर है, कौन से राष्ट्रपति ने ये 73वें 74वें संशोधन को अनुमोदन किया? ठीक के आर नारायण, के आर नारायण, है, के आर नारायणन नहीं थे, डॉक्टर शंकर दयाल। शंकर दयाल, शंकर दयाल। शर्मा जी, हाँ, के आर नारायणन ने क्या किया था, उन्होंने किस पे किया था अक्षर? उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड विधेयक जो था, है ना, तो उस समय थे वो। और देवगौड़ा ने, एच डी देवगौड़ा ने क्या किया था, लाल किले से घोषणा की थी 96 में, 15 अगस्त। वर्तमान में पंचायतों में कितने स्थान आरक्षित है महिला के लिए? और वह 50% है, तो पहले एक तिहाई था पचास परसेंट और फिर बढ़ा के उसको 50 कर दिया गया है। एक तिहाई था तब भी उनके पति चलाते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको और बढ़ा दो परसेंट, है ना, 50% कर दिया, यानी आधी तो महिला रहेगी प्रधान, और फिर भी वो नाम मात्र की रहती है, उसमें से मुश्किल से दो चार ही करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो 29 विषय हैं पंचायत के, ठीक है, ये जो एक तो 29 विषय हो गए, एक उसके 18 हो गए, और 16 अनुच्छेद हो गए, और ये फिर हो गया 18। तो ये सब चीजें क्या है, एक एक पॉइंट इसमें क्लियर करना है, क्योंकि तो यहीं से क्वेश्चन जरूर बनना ही बनना है, पहले आ चुका है, क्योंकि इसमें कि कौन सा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए 29 विषय में से नहीं है ना, तो उसमें जैसे ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम होता है, वितरण की प्रणाली होगी, दुर्बल वर्ग का कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है, महिला का, परिवार का, स्वास्थ्य, है ना, बाजार मेले, सांस्कृतिक, पुस्तकालय, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा भी आ गया इसी में, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पूछ सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है ना ये किसमें, अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ग्रामीण विद्युतीकरण करना, सड़क पुलिया आदि बनाना, ईंधन चारे की व्यवस्था, पेयजल, खादी ग्राम उद्योग, ग्रामीण आवास, लघु उद्योग, लघु वन उपज, जंगलों से जो इनकम होती है छोटी मोटी वो इसमें आएगी, लघु के अंदर वाली, जैसे लीसा का उत्पादन हो रहा है तो ये करोड़ों रुपए का बेचा जाता है, तो ये सीधा उत्तराखंड सरकार रखेगी। फिर मत्स्य है, पशुपालन है, लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि, तो ये सब क्या हो गए 29 इसके अंदर के होंगे, तो इसकी लिस्ट दी जाएगी, उसको तुम्हें नोट कर रखना है, ठीक है, याद रखना है वो। पंचायत का टॉपिक जितना ज्यादा हो सके उसको अच्छे से पढ़ो, यू वैसे भी आ ही रहा है एग्जाम में, केवल ऐसा नहीं वीडियो परीक्षा के लिए, वैसे भी एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो आ जाते हैं भाग 9 में, अगर पूछेंगे किस भाग में 16 नए अनुच्छेद प्रतिस्थापित किए गए,
तो जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तब 16 अनुच्छेद उसमें लाए गए। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? हाँ, प्रधान प्रधान ग्राम सभा के नहीं सदस्य सदस्य नहीं मतदाता समस्त मतदाता हो जाएंगे जो निर्वाचक नामावली में, ठीक है, जब ग्राम पंचायत आएगा तब आएंगे वो चुने हुए, जिन्हें हम बोलते हैं पंच प्रधान, है ना, वार्ड मेंबर और प्रधान, जिनको हमने वोट दिया। तो हम ग्राम सभा के सदस्य तो है ही ऑलरेडी, हमारा जो बहस के सारे वो सदस्य होते ही हैं। ठीक है, इनमें से जैसे पूछेंगे दिए गए ऑप्शन में से कि कहाँ, इनमें से एक जगह पे ग्राम पंचायत है, ठीक है, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, कहाँ पे है इनमें से? मिजोरम मिजोरम इसमें से गोवा में। तो ये जो पूर्वोत्तर वालों में ग्राम पंचायत याद रखना नहीं है, वहां पे एक स्तर की जनजातीय परिषद बना रखी है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, ग्राम पंचायत नहीं है, और क्योंकि ट्राइबल एरिया है तो जनजातीय परिषद बना दी, बस वही सारा काम करती है। ठीक है, तो उसके लिए भी संविधान के भाग 9 में लिखा है कि कहाँ कहाँ भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, तो उसमें नाम है लिस्ट में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में भी लागू नहीं होंगे, है ना। तो वहां पे क्या है, ट्राइबल एरिया होने के कारण उनकी अपनी विशेष जनजातीय परिषद ये काम करेगी। जैसे उत्तराखंड में लगभग 4% ही एसटी है, और यही परसेंट अगर 80-90 होता तो हो सकता है यहाँ भी ये ना करके उसी ढंग से कुछ बना देते, है ना, जनजातीय परिषद प्रकार का कुछ। ठीक है, तो इसके अनुच्छेद हम अलग से डिस्कस करेंगे कल, एक एक अनुच्छेद, और वो तुमने पहले भी लिखे होंगे, बस रिवीजन करना है इन चीजों का। नगर पालिका के संवैधानिक प्रावधान कब लागू हुए थे? नगर पालिका संबंधी प्रावधान, ये था 1 जून 93 को, ठीक है, 1 जून, तो देखे, देखे। उसकी डेट 24 अप्रैल है, इसकी 1 जून है, बस ये दोनों चीज याद रखो। तो कल जो है हम कल से राइटर भी थोड़ा सुन लेंगे, कल सुनेंगे हम छायावाद वाले, ठीक है, चारों राइटर पढ़ लेना अच्छे से, जी और उत्तराखंड में दे दिया, और संविधान वाले में, ठीक है, संविधान तो मैं करवा ही रहा हूँ, इसमें तुम ये कर लेना, तुम जो तुम्हारा लूसेंट की बुक है उसमें भारत के भूगोल के जी शुरू जी के 2 पेज कर लेना, ठीक है, भारत का भूगोल, यस जहाँ पे सारे वही दे रखे कि भारत में सीमा पर कितने देश हैं, किसकी लंबाई कितनी है, तट रेखा में क्या है, भारत का अक्षांश विस्तार, देशांतर या विस्तार, तट रेखा में कितने राज्य हैं, बड़ा राज्य क्या है, इस टाइप वाले आ जाएंगे सारे, तो वो उसका पहला ही पेज ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक जी सर जी सर तो ये कर लेना फिर, ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे, धन्यवाद। थैंक यू सर